अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये ओवन है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर में, ठीक है, ये इसके ये 110 में है, ठीक है। ये दो नीचे लगी हुई, दो ऊपर लगे हैं, ठीक है। दोनों नीचे वाली 110 है, ऊपर वाली 110 है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट क्या है कि इसका ये मसलन अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको ये इसकी घड़ी वर्क कर रही है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट का बटन वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अलावा कभी ये स्टॉप का बटन जो है वो समटाइम वर्क कर जाता है, कभी नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा कुछ बटन और भी हैं जो इसके वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, ये वर्क नहीं करता। ब्रिल, टोस्टर नहीं, बैक का भी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हम जहाँ से ये वर्क करता है, ठीक है, ये दोनों टाइम जो है टेम्परेचर वगैरह का अप और डाउन, ये दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये बैक का नहीं वर्क करता, टोस्टर वगैरह। तो जब स्टार्ट का करें तो स्टार्ट का ऑप्शन पे बटन पे क्लिक करें तो ये स्टार्ट भी नहीं करता, स्टॉप वाला वर्क करता है, ठीक है। तो कुछ बटन काम करते हैं, कुछ इसमें काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर इसमें क्या फॉल्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ओपन कर लिया इसको, ये इसका बोर्ड है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है, 110 आउटपुट है, 220 इन है और 110 वोल्ट जो है वो आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ है इसका ये टच वाला ऑप्शन है, बोर्ड है, ठीक है। तो जब सम टाइम कभी कभी टच काम वर्क करता है, कभी नहीं करता, तो इसका जो बोर्ड है टच वाला, ये इसके ऊपर कैपेसिटर लगे हुए हैं दो, ठीक है। एक कैपेसिटर ये है और एक ये है, ठीक है। दो कैपेसिटर हैं, 16 वोल्ट के कैपेसिटर हैं ये दो कैपेसिटर। जब कोई भी इनमें से एक भी ख़राब हो जाए, वीक हो जाता है, तो कमज़ोर हो जाता है, तो फिर ये इस तरह की कंडीशन होती है किसी भी सेट की, ठीक है। तो हम ये 16 वोल्ट के कैपेसिटर हैं दो, ये दोनों चेंज करेंगे अभी, ठीक है। इसमें और कोई फॉल्ट नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। तो इन दोनों कैपेसिटर को रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करके दूसरे की जगह पर नए ऐड करते हैं, फिर इनको चेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी वो जो इसका टच है वो वर्क करना शुरू कर देता है, कभी नहीं करता, ठीक है। तो जब कभी करता है, कभी नहीं करता, तो ये जब कैपेसिटर ख़राब हो जाए, वीक हो जाए, तो फिर ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये टच है, इसके अलावा ये देख सकते हैं इसका, ठीक है। तो बहरहाल चलो इसको इनके कैपेसिटर जो हैं वो रिप्लेस कर लेते हैं, दोनों कैपेसिटर देखते हैं, एक दूसरा ये, ठीक है। ये मैं दोनों मैंने रिप्लेस कर दिए, ये दोनों कैपेसिटर मैंने चेंज कर दिए, ठीक है, 16 वोल्ट के, ठीक है। ये 16 वोल्ट 47 UF, ठीक है, ये दोनों मैंने चेंज कर दिए। अब हम इसको दोबारा से बोर्ड को ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड करके फिर इसका रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है जी। मैंने लगा दिया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम अगर हम सेट करेंगे तो ये यहाँ पे प्रेस करेंगे इसको, तो अब आप देख सकते हैं ये स्टार्ट का बटन, ये ऊपर टाइमिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये टाइम अब नीचे आना शुरू हो चुका है, यानी कि हमारा जो फॉल्ट था वो ठीक हो चुका है, ठीक है। अगर हम स्टॉप करना चाहें तो ये स्टॉप किया तो टाइम स्टॉप हो गया। पहले ऐसे तो था, स्टॉप का कभी वर्क करता था, कभी क्लॉक का वर्क करता था, जब क्लॉक करता था स्टॉप नहीं करता था, जब स्टॉप करता था तो ये टोस्ट लिखा हुआ है ये नहीं वर्क करता था, यानी कि सम टाइम कुछ बटन वर्क करते थे, कुछ नहीं करते थे, ये फॉल्ट था। तो अभी ये मैंने कैपेसिटर चेंज कर दिए, तो अब आप देख सकते हैं भाई, ये खासतौर पर ये जो स्टार्ट का बटन था तो ये तो बिल्कुल ही नहीं वर्क करता था, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वर्क करना शुरू हो चुका है, ठीक है, अब बिल्कुल ओके है, ठीक है। ये टाइमिंग नीचे आना शुरू हो चुकी है, इसके अंदर इसका ओवन का जो वो कोई भी चीज़ अगर बनानी चाहते हैं, गर्म करना चाहते हैं, तो वो अभी टाइमिंग शुरू है। अगर हम स्टॉप पे क्लिक करें तो ये स्टॉप भी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह अगर हम दोबारा क्लॉक लगाना चाहें तो ये क्लॉक का, ठीक, सॉरी, हाँ, इसको ख़त्म होना, फिर दोबारा से शुरू करेंगे, इसको पहले क्लियर हो रहे हैं, फिर दोबारा से हो जाएगी।
तो बहरअल्लाह हमारा जो फॉल्ट था वो बिल्कुल ठीक हो चुका।